हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंसानों का स्पेस में बनाया हुआ एक मार्वल, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड जो कि हर वक्त धरती की चक्कर लगा रहा है और जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, जिसे हम एक स्पेस लेबोरेटरी भी कह सकते हैं। ये बना कब था, किस पर्पस के लिए ये बना और कौन कौन सी देश का कोलैबोरेशन से ये बना है, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं स्पेस एजेंसीज के बारे में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में इन्वॉल्व है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 5 स्पेस एजेंसीज और 15 देश मिलकर बनाया है। यूनाइटेड स्टेट्स का नासा, रशिया का रोस्कोस्मोस, जापान का जाक्सा, यूरोप का ईएसए और कनाडा का सीएसए, ये 5 स्पेस एजेंसियां मिलकर आईएसएस को बनाया है। अब चलिए जानते हैं आईएसएस को पूरी तरह बनने में कितने टाइम और कितने मिशन लगे थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट को ऑफिशियल बजट अप्रूवल 1984 को नासा को मिला था और इसका कंपोनेंट्स को बनाने का काम इन 5 एजेंसियों के द्वारा शुरू कर दिया गया था। आईएसएस का साइज एक फुटबॉल फील्ड जैसा है। साइज में इतना बड़ा होने की वजह से इसका पार्ट्स को एक साथ स्पेस में लेकर असेंबल करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए अलग अलग स्पेस मिशन के जरिए इसके पार्ट्स को स्पेस में पहुँचाया गया और स्पेस में ही इसे असेंबल किया गया। इस तरह से 30 से भी ज्यादा मिशन और 10 साल लगे थे इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। ये मिशन 1984 से 1993 के बीच तैयार हुआ। इसके बाद ह्यूमंस को स्पेस स्टेशन में भेजने का टाइम आ चुका था। साल 2000 नवंबर 2 को पहला क्रू मिशन एक्सपेडिशन 1 आईएसएस को सक्सेसफुली भेजा गया, जिसमें नासा एस्ट्रोनॉट विलियम एम सेफर्ड और रशियन कॉस्मोनॉट्स यूरी पी विजनको और सर्जे के क्रिकलेव शामिल थे। इसके बाद से कई सारे मिशंस आईएसएस में भेजा जा चुके हैं, जिनमें 21 देशों से 269 लोग शामिल हैं। अब चलिए जानते हैं आईएसएस का पोजीशन और इसका बनने का पर्पस के बारे में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है। धरती से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। लो ऑर्बिट में रहने की वजह से हम इसको नेकेड आई में भी देख सकते हैं। ये 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धरती का चक्कर लगा रहा है। सिर्फ 93 मिनट्स में ये एक बार धरती के चक्कर लगाता है और एक दिन में ये 15 बार धरती के चारों ओर घूम आता है। ये एक मल्टीपर्पज स्पेस स्टेशन है। इसको एक लैबोरेटरी और ऑब्जर्वेटर के पर्पज से बनाया गया है। इसको एज ए फैक्ट्री भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साइंटिफिक और माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के लिए भी ये बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। आने वाले टाइम में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों के स्पेस मिशन के लिए बहुत मददगार साबित होगा, लेकिन फिलहाल इसके फ्यूचर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रशिया ने अनाउंस किया है कि वो 2024 से इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं करेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नया वीडियो के साथ।